शासन के निर्देश पर जनपद के 22 परिषदीय कंपोजिट विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें से 21 विद्यालय में कक्षा 8 जबकि 1 में 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इनका चयन प्रत्येक ब्लॉक व नगर क्षेत्र से पूर्व में संचालित कंपोजिट विद्यालय में से किया जाएगा। कक्षा 8 तक के विद्यालय का नाम अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय होगा। इस तरह जनपद में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के एक कंपोजिट विद्यालय को उच्चीकृत किया जाएगा, जो आदर्श विद्यालय नाम से जाना जाएगा। जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि कंपोजिट विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया गया है। कायाकल्प योजना के तहत 1 से 8 तक के कंपोजिट विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। उसमें से 176 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। उसमें स्मार्ट क्लास, फर्नीचर, शौचालय, स्टाफ रूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर, विज्ञान प्रयोगशाला तथा इसमें शैक्षिक एवं खेल कूद संबंधी मल्टी डायमेंशनल और मल्टी स्कूल स्पेस का भी प्रावधान होगा और स्कूल में अच्छा प्रवेश मिले इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि वहां पर बच्चों को उच्च कोटि की पढ़ाई मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, द्वारा निर्देशित किया गया है और उसी के क्रम में हम लोगों ने ये प्रक्रिया प्रारंभ की है, जहाँ पे 1 से 8 तक हमारे कंपोजिट विद्यालय चल रहे हैं जिनका सम्मिलियन गत वर्ष में किया गया था, उनको एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है कायाकल्प योजना के तहत। उसी के लिए हम लोगों ने 176 स्कूलों का चयनित किया है और उनको एक उनमें स्मार्ट क्लास, अतिरिक्त कक्षाएँ, फर्नीचर की व्यवस्था और अच्छा परिवेश मिले इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और उनमें शैक्षणिक सामग्री, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि गतिविधियों में भी कार्य किया जाएगा ताकि वहाँ उच्च कोटि की पढ़ाई बच्चों की हो सके।